हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ कुछ पतले बालों के लिए, पतले हल्के बालों के लिए कुछ टिप्स एंड ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल। तो मुझे कमेंट आ रहा था कि मैम साइड मांग से भी हेयर स्टाइल बताइए, तो आज मैं साइड मांग से हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। बट साइड मांग हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने साइड मांग निकाला होगी और हमारे बाल पतले हैं, तो अक्सर हमारा बाल यहाँ से बहुत ज़्यादा स्कैल्प वगैरह दिखने लग जाती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको ले लेनी है एक इस तरीके की बारीक दांतों वाली कॉम, ओके। और इस तरीके से हेयर को उठाना है एंड बैक कॉम्बिंग करनी है इसमें, जिससे कि आपका जो हेयर है वहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे। तो ये देखिए, यहाँ पे इंस्टेंट वॉल्यूम आ गया। आप इसको ऐसे करोगे तो आपका स्कैल्प कम दिखेगा। थोड़ा थोड़ा हेयर लेके यहाँ पे पहले बैक कॉम्बिंग इस तरीके से कर लीजिए और फिर फ्रंट से हल्का सा इसको फिनिशिंग लुक दे दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया हमारा। अब आप हेयर स्टाइल कीजिए तो बहुत अच्छा लुक आएगा। और हाँ, यहाँ पे जैसे जहाँ पे आपने बैक कॉम्बिंग की है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरीके से कॉम मत कीजिए। अगर फिर भी आपका स्कैल्प नहीं हाइड होता है तो आप जो आई शैडो में ब्लैक कलर वाला आई शैडो होता है उससे अपने स्कैल्प को हाइड कर सकते हो। तो जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है वो स्टार्ट करते हैं। साइड मांग के साथ आज दो हेयर स्टाइल बताऊंगी, दोनों काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप लोग के लिए, तो आप ट्राई कर लेना। इस तरीके से कॉम कर लेना है, थोड़ा थोड़ा सा हेयर को खींच लीजिए ताकि पतले हल्के बाल हैं तो आपके बालों में वॉल्यूम दिखे एंड बहुत अच्छा लुक दिखे। ज़्यादा फ्लैट करने की ज़रूरत नहीं है, मैसी लुक अच्छा लगता है। अब इस तरीके से करने के बाद से अपने बालों में एक पोनी बना लीजिए, ओके। ये हेयर स्टाइल पतले हल्के बालों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा, आप ट्राई ज़रूर करना गाइस। अब इस तरीके की आपके पास हेयर स्टाइल टूल है तो यूज कीजिए, नहीं है तो आप सिंपली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके हेयर को उसमें से इंसर्ट करके बाहर निकाल दीजिएगा। तो मेरे पास टूल्स है तो मैं इसको यूज कर ले रही हूँ, इससे काफ़ी फिनिशिंग के साथ आपका जो भी आप हेयर स्टाइल बना रहे हो वो बन जाता है। अगर हेयर स्टाइल टूल नहीं है तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारी हेयर स्टाइल अपलोड की हुई है, जिससे कि आप इजीली इस तरीके से हेयर को इंसर्ट करके निकाल सकते हो। इस तरीके से करने के बाद से आपका यहाँ का हेयर फ्लैट हो सकता है, तो इसके लिए आप यहाँ से इस तरीके से खींच लीजिएगा ताकि फ्लैट ना दिखे, ओके। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा हेयर खींचेंगे, मेथी बन बनाना है हमको। आप इसको इस बन को हाई भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पे लो बनाया हुआ है। इसके बाद से आपको एक पतला रबड़ बैंड लेना है इस तरीके का, ब्लैक भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे आसमानी कलर कर लिया है। थोड़ी सी दूरी पे इस रबड़ बैंड को लगाइए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये मंगवाया था, मार्केट से लिया है मैंने इसको, तो मुझे मार्केट में ये 90 रुपये में पड़ गया। वैसे आपको ये ऑनलाइन लोगे वैसे सेम प्राइस में मिलता है, लेकिन ऑनलाइन वन पीस मंगा रहे हो तो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो इस तरीके से लेना है, देन आपके हेयर को थोड़ा सा फैला लेना है, सारे हेयर को इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। और जहाँ पे आपका रबड़ बैंड है वहाँ से इसको ऐसे लगाना है, ओके। इस तरीके से लगाना है सारे बालों को अंदर की तरफ इंसर्ट करके। ओके, आप चाहो तो इस तरीके से पूरा इंसर्ट करके भी कर सकते हो, अगर अच्छे से नहीं बन पा रहा है तो, जैसे मुझे अभी दिक्कत हुई यहाँ पे, तो आप सिंपली इस तरीके से सारे बालों को अपने अपने जो जगह बनाई हुई है उसके अंदर इंसर्ट करके, और ये आप क्लिप जो आपने मंगाई है उसको लगा दीजिए, थोड़ा सा इस तरीके से ले लीजिए और अपने बालों में इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिए। तो काफ़ी अच्छा पार्टी बन आपका बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। शादी वादी में भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, शादी है, फंक्शन है, पार्टी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए कितना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा आपका बन बन के यहाँ पे रेडी हो गया है, और बहुत ईजी है, आप आसानी से इसको बना सकते हो। और ये वाला फ्लावर ज़रूर ले लीजिएगा अगर आपको हेयर स्टाइल के हेयर स्टाइल आपको बनाना ज़्यादा पसंद है, पार्टी वगैरह ज़्यादा अटेंड करते हो तो ये ज़रूर लीजिएगा। देखिए कितना प्यारा सा फिनिशिंग सा लुक आ गया हमारा। और उसके बाद से जैसे इस टाइप के बेबी हेयर्स निकल रहे हैं तो पहले भी मैंने बताया है,
सेटिंग स्प्रे ले लीजिए, कोई सा भी सेटिंग स्प्रे ले सकते हो, सारे सेटिंग स्प्रे अच्छे होते हैं और इजीली बालों को अच्छे से मैनेज कर देते हैं। और यहाँ से जहाँ पे आपने बैक कॉम्बिंग की थी वहाँ पे इस तरीके से कॉम कर दीजिए, जहाँ भी आपको बेबी हेयर दिख रहे हैं वहाँ पे इस तरीके से कॉम कर दीजिए, और बहुत सुंदर सा लुक आपका बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा साइड मांग के साथ। ब्यूटीफुल सा ये बन हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो आप ज़रूर ट्राई करना, अगर आपके पतले हल्के बाल हैं, आपको दिक्कत होती है हेयर स्टाइल बनाने में, तो आप इस ये ट्रिक्स जो मैं बताती हूँ अपने चैनल पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। सेकेंड हेयर स्टाइल भी मैं साइड मांग से ही बता रही हूँ, क्योंकि साइड मांग की मुझे रिक्वेस्ट आई थी इसलिए। तो इस तरीके से पहले सारे बालों को लेंगे और इस बार थोड़ा सा ऊंचा हाई पोनी बनाएंगे। ओके, इस तरीके से कॉम करना है। अच्छे से कॉम करने के बाद से यहाँ से जैसे मैंने पहले खींचा था उस तरीके से आप अपने बालों को खींच लोगे, ताकि जो लुक है वो अच्छा आए। और एक रबड़ बैंड से यहाँ पे टाइटली रबड़ बैंड को लगा लेना है। ओके, रबड़ बैंड हमने यहाँ पे लगा लिया है। अगेन आप यहाँ से थोड़ा सा खींच सकते हो बालों को, और फिर से आपको इस तरीके से साइड से हेयर स्टाइल टूल्स को लगाना है एंड सारे बालों को इसके अंदर से इंसर्ट कर लेना है। पतले बाल हैं तो भी बहुत ही प्यारे लगेंगे ये हेयर स्टाइल गाइज। ये मत सोचिएगा कि इनके बाल हैवी हैं और हम कैसे करें, आप ट्राई कीजिए, आपके बालों पे बहुत आसानी से ये बन जाएगा। ओके, यहाँ से थोड़ा थोड़ा हेयर को खींच लेंगे ताकि आपको कम्फर्ट रहे एंड आपका हेयर स्टाइल लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग रहे। थोड़ी सी दूरी पे इसको लगा रहे हैं रबड़ बैंड को, यहाँ से हल्का सा खींचेंगे इस तरीके से बालों को और सारे हेयर्स को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, दूसरी साइड लेके आएंगे। फिनिशिंग के साथ गाइज, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना। अब इधर से आपको सिंपली इधर से हेयर को कॉम में हेयर को फंसाना है, पहले बन के हेयर को, फिर इसको स्कैल्प के साथ अटैच कर देना है। ओके, और ये हमारा ब्यूटीफुल सा सिंपल इजी एंड ब्यूटीफुल पार्टी बन बन के यहाँ पे रेडी हो गया है, वो भी पतले हल्के बालों में। पतले हल्के हैं, लंबे बाल हैं तो भी ट्राई कर सकते हो, शॉर्ट हेयर हैं तो भी ट्राई कर सकते हो ये हेयर स्टाइल। तो कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये साइड का लुक है, ये जहाँ से हेयर दिख रहे हैं उसको अंदर अच्छे से इंसर्ट कर दीजिएगा। अगेन आप सेटिंग स्प्रे ज़रूर लगाइए बालों पे अगर आप पार्टी वगैरह में हेयर स्टाइल बना रहे हो तो। इस तरीके से बालों को खींच लीजिएगा अगर स्कैल्प के हेयर दिखते हैं ज़्यादा तो। कैसे लगे आप लोग को हेयर स्टाइल, दोनों में से कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ मैंने अभी गौर की है, मैंने आईब्रो फील ही नहीं किया आज अपनी, मेरी आईब्रो बहुत लाइट है। कोई बात नहीं, हेयर स्टाइल कैसे लगे आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, प्लीज़ सेकेंड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं उस पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आ पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।